सीक्वेंस ये है कि इन लोगों ने ये साबित कर दिया कि बेबी बेबी है ही नहीं, बेबी कोई और है, उसकी जगह पे उसकी कोई हमशक्ल यहाँ पे आई है जो अब तक बेबी बन के रह रही थी, और उसे उसका डीएनए उन लोगों ने साबित कर, बस उसे जेल भेज रहे हैं। तो दाव वही है कि अभी वो सब इस हमशक्ल को जेल भेजना चाहते हैं, तो मैं आज शायद जेल जा रही हूँ। लड़की को काफ़ी वक्त हो गया है, आज मैं पता है कितने सारे शोज आते हैं, कुछ शोज का ड्यूरेशन बहुत कम होता है, इस शो के सक्सेस का रीज़न क्या रहा है? ये शो हमेशा से मुझे इतना लगता है इट्स फीमेल ओरिएंटेड, एंड आई थिंक फीमेल ओरिएंटेड शोज आर मच मोर इम्पॉर्टेंट एंड वेरी मच, यू नो, आपको आप सबको भी पता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और इस शो में हमेशा हम पारिवारिक चीज़ों को दिखाते हैं कि यू नो पारिवारिक जीवन में कैसे मुसीबतें आती है, कैसे दिक्कतें होती है। एक आई थिंक इसी वजह से घर घर में स्वानी से एक लड़की हमेशा से एक जनप्रिय शो रह चुका है और हमेशा रहेगा। ये भी कहना चाहूँगा कि आपको पता है कि जब बात फिल्मों की होती है तो उसे माना जाता है मेल डोमिनेटेड मीडियम, यहाँ पे हीरोज की डिमांड रहती है, लेकिन यहाँ पे हमेशा औरत को ज्यादा अहमियत दी जाती है कोई भी शो हो। आई थिंक अभी फिल्मों में भी ये आ चुका है ना कि फिल्म यू नो वुमेन ओरिएंटेड मूवीज आप अगर देखेंगे, क्वीन, मैरी कॉम, लॉट ऑफ मूवीज आते हैं, इट्स नॉट अबाउट कि दैट वी आर कंपीटिंग विद समवन, नो, हम किसी से जंग नहीं लड़ रहे हैं, हम हमें ये बताना चाहते हैं कि भाई हम भी किसी से कम नहीं है। बट एज एन एक्ट्रेस व्हाट काइंड ऑफ रोल डू यू वांट टू रियली एक्सप्लोर, अगर आगे अगर बड़े पर्दे पे काम करने का मौका मिले तो किस तरह का किरदार निभाना? मैं हमेशा एक चैलेंजिंग रोल एक किरदार में निभाना चाहूँगी, जैसे ये बेबी मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था, कॉलमी रियल लाइफ में ऐसे है कभी सोच भी नहीं सकती वो, जैसे बेबी की अदाएँ हैं, जैसे बात करती है, जैसे वो चीज़ें करती है, वो मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग है। तो मैं चाहूँगी कि फ्यूचर में भी अगर मुझे कोई किरदार निभाने को मिले वो हमेशा मेरे लिए एक मुश्किल किरदार हो जो मैं यू नो अपने दिलो जान से वो निभा सकूँ।